गुड़ांची दोस्तों गुड एमसी गुड एम सी गुड एम सी दोस्तों गुड एम सी गुड सी दोस्तों गुड एम सी गुड एम सी सज्जू कुमार उपाध्याय जी सुजय कुमार उपाध्याय जी गुड एम सी जी, गुड सी अनु प्रजापति जी सी रविंद्र जी सी क्या बात है परवेज खान जी सी वाराणसी से बहादुर पाल जी सी कमल प्रधान जी गुडायमसी गुडायमसी गुडमसी सत्यन एम सी रमेश पाटिल जी सी रविंद्र रविंद्र रमेश पाटिल जी एम सी क्या बात है कमल प्रधान जी राज बहादुर पाल जी फिर से एक बार गुडायमसी दीपक पासवान जी गुडायमसी विशाल कुमार पंडित जी गुडायमसी बधाई हो शौकत अंसारी मिथिलेश मौर्या मौर्य जी गुडायम सिमसी फिर से एक बार तो फ्रेंड गुडायमसी दोस्तों रेनु सिंह वर्मा जी गुडायमसी नीरज जी आई एमसी नीरज आई एमसी गुडायमसी दीपक पासवान जी फिर से एक बार मिश्रा जी गुडायमसी गोरखपुर से प्रेमचंद त्रिपाठी जी लाल निषाद जी सी मुकेश के सरवानी जी सी कृष्णा जज जी सी शिवम नामदेव जी एम्बेसडर स्टार सी मध्य प्रदेश से क्या बात है प्रेम प्रेम मदन ओझा जी सी धर्मेंद्र कुमार जी गुडायमसी अंसालिनीम सी उषा देवी जी सी शिवेंद्र पटेल जी सी अभिषेक कश्यप जी सी दया दयाशंकर ठाकुर जी सी लवकुश जी सी और मैं देख रहा हूं काफी लोग तेजी से जुड़ रहे हैं और स्पीड बढ़ रही है अभी दो मिनट में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं दो मिनट के अंदर है ना और मैं देख पा रहा हूं लगातार एम सी लवकुश जी सी तो फ्रेंड आज मैं आपके बीच जैसा कि आप जानते हैं आज बुधवार है आज बुधवार है और बुधवार के दिन ये डी सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जिंदगी एक बजे इस प्रोग्राम में मैं आपके बीच में मौजूद हूं लेकिन आज आपको बस मैं मात्र तीस मिनट देने वाला हूँ मा तीस मिनट देने वाला हूँ तीस मिनट में मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आप लोगों से और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो मैं तो देने वाला ही हूँ साथ ही साथ मैं तीस से पैंतीस मिनट में आपके बीच रह पाऊं जैसे कि मनीष सोनी जी जुड़ चुके हैं दयाशंकर ठाकुर जी मिथिलेश मौर्या जी जुड़ चुके हैं तो लगातार ऋषि दुबे जी जुड़े हुए हैं फ्रेंड लगातार लोग राजेंद्र राजा जी गुड एम सी तो फ्रेंड लगातार लोग ग्रुप में जुड़ रहे हैं लगातार पेज पे आ रहे हैं और जैसा कि जानते हैं कि अगर आप जुड़ गए तो उसमें एक शेयर का ऑप्शन होता है शेयर भी डाल दीजिए शेयर भी डाल दीजिए और अमित त्रिपाठी जी गुड एम सी क्या बात है जबरदस्त तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि ये बुधवार के दिन मैं आता हूँ हर बुधवार को और डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे मैं रूबरू होता हूँ आपके बीच में जैसे कि शिवानी मैडम जी है आसाम जोराहट से गुडायम सिंह मनोज कुमार मांझी जी, जी हैं और राजेश कुमार त्रिपाठी जी फरुखाबाद से कल की जबरदस्त तैयारी चल रही सर आपकी बहुत बढ़िया मौमी विश्वास मुखर्जी जी है गुडायमसी प्रेम शंकर सिंह जी गुडायम सिंह तो फ्रेंड अब लोग आते रहेंगे अब जो लोग आ गए हैं उनसे हमारा उनका भी स्वागत है जो अभी बाद में आएंगे उनका भी स्वागत है और सुनील वर्णवाल जी भी आपका भी स्वागत है तो फ्रेंड जो लोग आ चुके हैं उनका भी स्वागत है जो अभी बाद में आएंगे उनका भी स्वागत है लेकिन समय कम होने की वजह से क्योंकि इस वक्त मैं जो प्रोग्राम दे रहा हूं अभी बस अगले कुछ ही मिनटों के बाद हमारा यहाँ पे औरैया की धरती पे दिव्यापुर एक जगह है वहां पर हमारा एक तूफानी सेमिनार होने जा रहा है एक वर्कशॉप होने जा रहा है जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोगों को हमने रखा हुआ है और इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कई कई साल तक काम करने के बाद भी लोग निगेटिव रहते हैं तो मैं आज उसी पे बात करने वाला हूं तो फ्रेंड आज मेरा सेमिनार है और मैं उसमें मौजूद हूं और सेशन अभी चल रहा है मैं सेशन के बाहर मैं अपना वक्त आप लोगों के बीच में लगा रहा हूं क्योंकि मैं कमिटेड इंसान हूं और कमिटेड इंसान कुछ भी कर सकता है एक बार मैंने कमिटेड कर दिया कि आई तो आई धरती पर कोई भी कुछ भी आ जाए कितना भी प्रलोभन दे दे इस लेवल पर पहुंचने के बाद बहुत सारे प्रलोभन आते हैं इस पर मैं बात करने वाला हूं तो फ्रेंड मैं आदाब के बीच में हूं और मैं बात करने जा रहा हूं आप बिल्कुल दिलो दिमाग की डायरी में नोट कीजिएगा जो आज मेरा जो टॉपिक है उस पर बातचीत होगी आस्तिन का सांप आज इस पर हमारी बातचीत होगी कि कैसे आस्तिन का सांप आपने सुना होगा लेकिन लोग बन जाते हैं इस पर ही बातचीत होगी फ्रेंड जैसे कि जानते हैं बहुत सारे लोग नए लोग जुड़ जाते हैं जब नए लोग जुड़ते हैं तो उसमें उनका परिचय देना बहुत जरूरी होता है परिचय नाम मेरा डीएन सिंह है मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूं और आई बिजनेस सी पिछले कुछ सालों से मैं सेवाएं दे रहा हूं सेवाएं देते देते काम करते करते आईएमसी का एक लेवल होता है जिस लेवल को कहते हैं जो हर आदमी का सपना होता है उस सपने को मैंने मात्र तीन वर्ष में पूरा किया और उस लेवल को कहते हैं क्राउन प्रेसिडेंट मैं क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पे हूं दोस्त और लगातार काम कर रहा हूं क्राउन प्रेसिडेंट होने के बाद भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी और खुशी के लिए मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया आज मेरे ग्रुप में 105 से ज्यादा चेयरमैन स्टार हैं आज हमारे ग्रुप के अंदर तीन क्राउन प्रेसिडेंट हमारे डाउन में हैं फिर भी अभी वो खुशी नहीं मिली जो मुझे मिलना चाहिए तो फ्रेंड लगातार अचीवर आज हजार अचीवर से ज्यादा अचीवर है लगभग पौने दो दो करोड़ का टर्नओवर सालाना मंथली होता है और अच्छा कारोबार होने के बावजूद भी फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बावजूद भी मैं लगातार फील्ड पे हूँ तीन तारीख से मैं निकला हूं सत्ताईस तारीख को मैं घर पहुंचूंगा दोस्त लगातार मैं फील्ड पे हूँ जिस लीडर के जहां पे ग्रुप होता है वहां पे उनके साथ सपोर्ट करता हूँ जिनका टीम वहां पे नहीं है जहां पे सबका टीम है वहां पे मैं खुद पहुंचता हूं और लगातार काम करने की वजह से ये उपलब्धि हमारे पास बरकरार है और लगातार धरती पे जितने भी वर्ष मिलेंगे ईश्वर ने मुझे दिए हैं और हमारे साथ भी और हमारे बाद भी ये लेवल हमेशा के लिए बना रहेगा और हजारों लोगों को बनाने के बाद भी बना रहेगा क्योंकि फ्रेंड लगातार अचीवर्स बढ़ रहे हैं ये रही हमारी उपलब्धि आज जिस डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप जो आप हमसे मिल रहे हैं ये साधारण पेज नहीं है जैसे ही पेज पे आप आए हजारों लोग इसमें आ चुके हैं स्क्रीन पे आपको तो बहुत ही कम देख दिखाई पड़ेंगे लेकिन वाच पार्टी की वजह से इसमें संख्या बढ़ जाती है और वो सिर्फ मुझे दिखाई पड़ता है कि कितने लोग इस इस पे है तो अभी हजारों की संख्या में लोग है लगातार लोग बढ़ रहे हैं अभी हो सकता है कि कुछ देर के बाद दस हजार से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो जाएं तो इस प्रकार संख्या बढ़ जाती है पेज पे और बहुत सारे लोग रूबरू होते हैं ज, जहां तक मैं नहीं पहुंच पाता हूं वहां तक भी आईएमसी के माध्यम कहते नहीं है कि जहां न पहुंचे स्कूटर वहां पहुंचे आईएमसी के डिस्ट्रीब्यूटर तो मैं वहां भी इस पेज के माध्यम से मैं पहुंचता हूं कॉलेज जी भी जुड़े हुए हैं हमारे पश्चिम बंगाल से हैं तो फ्रेंड ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन और इस पेज के बारे में इस पेज की वजह से बहुत कुछ हो पाया बहुत सारे अचीवर तैयार हुए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली बहुत सारे लोग जो लोग अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं वो पेज पे बने रहते हैं अपने टीम के साथ पेज का प्रमोशन करते हैं पेज पे लगातार बने रहते हैं और उनके टीम उनकी उनका टीम सीख करके आगे बिजनेस करती है तो फ्रेंड ये रहा पेज के बारे में लगातार आप बने रहिएगा इस पेज पे लगातार टीम को प्रमोट कीजिएगा दिन में एक बजे एक घंटे का जो मैंने समय दिया जिसका नाम है जिंदगी एक बजे क्योंकि दोस्त अगर जिंदगी में एक नहीं बजेगा तो जिंदगी में बारह बजना तय है जो लोग पेज पे नहीं है उनका बिजनेस भी झांकने की जरूरत है मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूं तो फ्रेंड पेज पे लगातार आप बने रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है साथ में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरा आज का पहला टॉपिक है कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं क्योंकि पिछले बार मैंने बेसिक पे मैंने बात किया था इस आज जो मैं बात करने वाला हूं कि जब आप बेसिक करते करते जब बहुत सारे अचीवर तैयार कर लेते हैं कुछ लोग सुपर स्टार बन जाते हैं कुछ लोग सिल्वर बन जाते हैं कुछ लोग गोल्ड बन जाते हैं कुछ लोग रूबी और डायमंड बन जाते हैं कुछ लोग चेयरमैन बन जाते हैं जिस जिस लेवल पे लोग पहुंच जाएं फ्रेंड आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे तरह भी कई गलतियां कर रहे होंगे कई गलतियां करने वाले हों जब कोई व्यक्ति किसी लेवल पे खुद से बगर बनता है जैसे मैंने खुद से लेवल अचीव किया और आज भी मेरा जो लेवल है अपलाइन का दिशा निर्देश गाइडलाइन है और इस लेवल पे मैं पहुंचा हूं लेकिन कभी भी मुझे कहते नहीं कि कोई लेक्स या कहीं से कोई बिजनेस अपलाइन के द्वारा नहीं मिला क्योंकि अपलाइन के द्वारा मिलता तो मैं काहिल और निकम्मा हो जाता फिर मैं इधर उधर भटकता तो फ्रेंड जिंदगी में याद रखिएगा कभी भी इस तरह का कोई सपोर्ट करने की अगर कोई कोशिश करता है कि मैं आपको लेक्स दे दूंगा मैं आपको ये कर दूंगा मैं आपको ये कर दूंगा तो फ्रेंड आप याद रखिए कि इस बिजनेस ये बिजनेस में आप टिक नहीं पाएंगे ये बिजनेस से आप गायब हो जाएंगे क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपकी इस तरह की मदद करना चाहता है कि मैं लेग शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट कटवा के दे दूंगा ये कर दूंगा वो नहीं है तो ऐसा कर दूंगा तो फ्रेंड आप ये समझ लेना कि वो आपको ताजिया ठंडा करने की तैयारी कर रहा है आपको बिजनेस में खत्म करने की तैयारी कर रहा है कभी भी इस तरह की ऑफर आप स्वीकार बिल्कुल मत करें आप उन्हें बताएं कि सर आप हमारी हेल्प कीजिए हमारे ग्रुप में आप मीटिंग लीजिए और हमें आप जो आगे बढ़ाइए तो फ्रेंड कभी भी आप कभी भी किसी की इस तरह की मदद मत लीजिए कभी भी कोई अगर कहता भी है कि मैं ये लेकर आपके नीचे शिफ्ट करवा दूंगा या आप उनसे कहते हो कि हमारी सर इस तरह की कोई मदद कीजिए फ्रेंड कभी भी मत मत मांगिए मदद ऐसे लोगों मैंने आंखों से देखा है मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी मैंने मदद की जिसका मैंने सपोर्ट किया आज वो बिजनेस में आस्तीन का सांप बना हुआ है इस तरह के लोग आज बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह के लोग मैं बता दूं कि रहेंगे आपके साथ और बिजनेस करेंगे कहीं और इस तरह के लोग आपका बहुत बड़ा नुकसान देने वाला है फ्रेंड जो हो सकता है आप खुद कीजिए दोस्त खुद के द्वारा जब रोटी बनाई जाती है ना तो उसका टेस्ट कुछ और होता है जब खुद आप काम करते हैं आज मैं सीना चौड़ा करके मैं बात करता हूं सीना चौड़ा करके मैं बात करता हूं कि मैंने तीन साल में क्राउन प्रेसिडेंट लिया तो फ्रेंड अपलाइन का दिशा निर्देश था अपलाइन की गाइडलाइन था लेकिन मैं फील्ड में काम मैं खुद करता था मैं काम फील्ड में खुद करता था ऐसे लोग जिनको ज्यादा सपोर्ट की जाती है जिनको ज्यादा मदद किया जाता है ऐसे लोग लिखते हैं बहुत बढ़िया है, बैसाखी का सहारा मतलब अपाहिज बनना ऐसे लोग आने वाले समय में बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे ये छोटा बिजनेस में सिमट गए क्योंकि जब कोई व्यक्ति जब आप हाथ फैलाते हैं जब कोई आपके हाथ में पचास की सौ की दस की बीस की पचास सौ की नोट डालता है तो आपको कमजोर करता है दोस्त मेरे घर में राशन कार्ड थे लेकिन मैंने सरकार की राशन तक नहीं ली मैंने सरकार का राशन तक नहीं लिया अगर मैं राशन लेता तो आज मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं होता क्योंकि राशन लेने से हमारी ऊर्जा हमारी ताकत हमारी शक्ति कम हो जाती तो फ्रेंड कभी भी किसी पे आश्रित नहीं रहना है आप सिर्फ से आपका अप्लायंस से सिर्फ मदद लीजिए कि सर हमारे हमने इतने लोगों को बिजनेस में लेके आए हैं हमें उनका सपोर्ट कीजिए उनको बिजनेस सिखाइए और उनके साथ सर आप बिजनेस कीजिए लेकिन आप इस तरह की कभी भी मदद मत लीजिए क्योंकि आप कमजोर हो जाएंगे आज मैं ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को के बारे में जब मुझे जानकारी हुई यार इस तरह के भी लोग हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है जिनको इस तरह की मदद की जाती है ऐसे लोग बाद में गंदे निकल जाते हैं और ये गंदे लोग आपके बीच में हो सकते हैं तो फ्रेंड और मैं बताऊं दोस्त ये तो रहा सपोर्ट करने के बाद दूसरी बात मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कई ऐसे लोग जो आज बिजनेस छोड़ने की धमकी देते हैं कई ऐसे लोग बिजनेस छोड़ देते हैं कई ऐसे लोग जो कहते हैं सर आप हमारी इस तरह की मदद नहीं करेंगे तो हम बिजनेस छोड़ देंगे दोस्त मैं आज बताऊं आज से सात वर्ष पहले की बात है मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका था यानी मैं रूबी लेवल पे था मेरा लाख रुपए की इनकम थी और हमारे गोल्ड स्टार के द्वारा मुझे धमकी दिया गया कि आप हमारे फाइनेंशियल मदद नहीं करेंगे हमें इस तरह की मदद नहीं करेंगे तो हम बिजनेस छोड़ देंगे और वो उस बंदे की जो इनकम थी महीने की बत्तीस हजार और उसके डाउन में दस अचीवर थे उसके डाउन में दस अचीवर थे और हमारा लगभग आठ से नौ लाख रुपए का बैलूम आता था उस से हमारे बैलूम आते थे और इस तरह के इंसान जो मुझे ब्लैकमेल करता था जो लगातार ब्लैकमेल यानी बत्तीस पैंतीस पाने के बाद भी लगातार ब्लैकमेल आपको लाख रुपए की इनकम आती है हमें भी सपोर्ट चाहिए आपसे कुछ फाइनेंशियली आपकी मदद चाहिए मुझे दो लाख रूपया उधार दे दीजिए मुझे पांच लाख उधार दे दीजिए और मैं कुछ अपना काम निपटा लू मैंने कहा देखो दोस्त मुझे पैसे की जरूरत थी मैंने आईएमसी में काम किया आपको पैसे की जरूरत है आप अपना लेवल बढ़ाओ आप काम करो आप रात दिन एक कर दो आप भी लाख रुपए की इनकम पे पहुंचोगे और उस बंदे ने ऐसा नहीं माना हुआ क्या हुआ क्या कि उसके आभा मंडल में 10 से 11 अचीवर आ गए 10 11 अचीवर आ गए पर आभा मंडल में आने के बाद वो दस ग्यारह लोगों ने बिजनेस को क्विट करके और किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया जब दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जब ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद मेरे बहुत सारे नेटवर्क ध्वस्त हुए लेकिन मैं अपने जीत पर आ रहा कि कुछ भी हो जाए और जब वो गया तो हमारी ताकत और बढ़ गई मेरे अंदर और गुस्सा आया कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने से मेरा बिजनेस खराब होगा तो अब तो मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन के ही दिखाऊंगा और बहुत निर्धारित समय में ही बन के दिखाऊंगा ऐसा बन के दिखाऊंगा कि रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा अभी तक कंपनी में किसी ने तीन साल में क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना होगा और दोस्त मैं तीन साल में क्राउन प्रेसिडेंट बना मैंने और बचे हुए ग्रुप पे काम करना स्टार्ट किया बचे हुए लोगों पर काम करना स्टार्ट हुआ किया दस पंद्रह बीस परसेंट पच्चीस परसेंट वालों के साथ काम करना स्टार्ट किया क्योंकि लीडर्स एक लेख का लीडर्स हमारे नाराज हो चुके थे और मैंने अदर लेग पे काम करना स्टार्ट किया आज देखिए जिन लोगों में काम करना स्टार्ट किया आज सभी आज 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 हमारे सारे टीम्स, सारे टीम्स टीम हमारी आज, देखिए आज कितना जबरदस्त शानदार काम है तो फ्रेंड और मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना सात लाख की बिजनेस गया बदले में मुझे सत्तर लाख का बिजनेस नहीं एक लाख चालीस हजार एक एक करोड़ चालीस लाख नहीं लगभग दो करोड़ का बिजनेस वालू मुझे मिला तो फ्रेंड लगातार टिके रहने की वजह से अच्छे लोगों की वजह से यह बिजनेस ग्रोथ करता है कभी कभी गंदे लोग आपके बिजनेस में आ जाते हैं वो दिखाई नहीं पड़ेगा वो दिखेगा नहीं आपको दिखेगा कि आदमी जो मेरे साथ चल रहा है बहुत सही है लेकिन वो आपकी जेब को लगातार वो झांकता रहेगा कि आपकी क्या इनकम आ रही है ऐसे लोगों को आपको पहचानने की जरूरत है ऐसे लोगों को आपको पहचानने की जरूरत है जेब झांकने वाले लोग आपके साथ चलेंगे कई जेब झांकने वाले लोग हमारे पेज पे भी आ चुके हैं हमारे पेज पे भी आ चुके हैं उनके लगातार आपने मीटिंग सुनी होगी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो वो आपको कॉल करके आपको बहका सकते हैं कि देखो मैं भी तो आईएमसी का चेयरमैन स्टार हूं मैं भी आईएमसी का चेयरमैन स्टार हूं मैंने आज देखिए आज यहां से भी पैसा हूं, यहां से से भी भी पैसा पैसा कमा कमा रहा रहा हूं हूं तो फ्रेंड ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि दोस्त ऐसे लोग जब मैंने अगले दो साल में पता किया जो मेरे ग्यारह से बारह अचीवर गए थे उस व्यक्ति की स्थिति जब मैंने जानना चाह कि मैं पता करूं कि वो इंसान आज किस पोजिशन पे है जो मुझे छोड़ के गया था तो जब मैंने जानने की कोशिश किया तो मैंने सोचा कि यार ग्यारह बारह के साथ वो बंदा मेरे साथ गया है अब तो बहुत बड़ा इंसान बन गया होगा लेकिन जब मैंने पता किया तो मालूम ये पड़ा कि वो गांव गांव अगरबत्ती घूम के बेच रहा है वो इंसान जो बत्तीस हजार की इनकम पाता था पांच से दस हजार रुपया महीना कमाने के लिए उसने पांच सात कंपनी ज्वाइन किए और हर कंपनी में माथा सर्फ हो रहा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला जहां जाता था लोग यही कहते थे कि यार तुम्हारे ऊपर क्या भरोसा तो तुम तो रोजी कंपनी बदलते हो तुम्हारे ऊपर क्या भरोसा तुम्हें रोजी कंपनी बदलते हो तुम्हारे ऊपर क्या भरोसा तुम तो रोजी कंपनी बदलते हो ऐसे लोग ऐसे लोग जब वो हीन भावना के शिकार हुए उनको लगा कि जीवन चलाने के लिए अब हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमा पाएंगे तो उन्होंने अगरबत्ती बेचना चालू कर दिया आज गांव गांव घूम के वो बंदा अगरबत्ती बेचता है अब मैं पता करता हूं उन ग्यारह लोगों का जो दस लोग और थे जो सिल्वर थे गोल्ड थे जिसके पैसे आ रहे थे जब उनके बारे में मैंने पता किया तो आज ग्यारह के ग्यारह दस के दस लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है कहीं ना कहीं जीवन यापन करने के लिए कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है कहीं कोई कुछ कर रहा है कहीं कोई कुछ कर रहा है यानी ग्यारह के ग्यारह लोग फेल हो गए तो फ्रेंड आप समझें कि इस तरह के जो इंसान होता है इस तरह के जो लोग होते हैं जो किसी के बहकावे में आ जाते हैं जिसके बहकावे में आप आए हैं उसकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है आप उसके बहकावे में मत आइए आपकी जिंदगी बर्बाद होगी मैं इवेन अपनी भी बात कर रहा हूं कि दोस्त मेरे पास मैं आज आपको बताऊं जब मैंने आईएमसी की शुरुआत की थी मैं सिल्वर बना बहुत सारी कंपनियां हमारे प्रदेश में आई मैं गोल्ड बना बहुत सारी कंपनी आ गई मैं रूबी बना और कंपनी आ गई जब मैं डायमंड बना तो और कंपनी आ गई जब, जब चेयरमैन बना तो एमडी का कॉल आने लगा जब एम्बेजर बना तो और कॉल आए आज क्राउन प्रेसिडेंट पे होने के बाद भी मेरे कॉल आता है कि सर ये दो करोड़ रुपए का आपको ऑफर है मैं पांच करोड़ आपको देता हूं आपको बी कार देता हूं आपको ये देता हूं आपको कंपनी के अंदर दो परसेंट का पार्टनरशिप देता हूं लेकिन फ्रेंड ये इंसान आज भी विचलित नहीं हुआ इतने बड़े बड़े ऑफर आने के बाद भी विचलित नहीं हुआ उसके पीछे कारण दोस्त कि जो कुछ भी हमें हो पाया है अरे फ्रेंड अगर आईएमसी एक बार पैसा नहीं भी देता हमारे काम करने का तरीका गलत है अगर पैसा ना भी अगर कंपनी कम, से आता है लेकिन कंपनी पहचान तो देती है ये बहुत बड़ा धन है ये धन बहुत बड़ा धन है कि आज आज आईएमसी की वजह से पूरे भारत वर्ष में अगर मैं बात करूं तो सवा करोड़ का परिवार आज मुझे जानता है आज मुझे पहचानता है और मजा तो तब आता है अच्छा तब लगता है कि सर वो वो मुझे सम्मान करते हैं मजा तब आता है कि सर आप मेरे लायक कोई सेवा बताइए फ्रेंड ये सबसे बड़ी दौलत है पैसे के साथ साथ जो आपको मान सम्मान मिलता है तो फ्रेंड और मैं बताऊं दोस्त आज आप आईएमसी नहीं करेंगे किसी और कंपनी में जाएंगे तो कोई चमत्कार होने वाला नहीं है लोग आपको प्रलोभन देंगे कि डीएन सिंह पहले जुड़ गए तो क्राउन प्रेसिडेंट बन गए अजय शर्मा जी पहले जुड़ गए तो क्राउन प्रेसिडेंट बन गए आप पहले जुड़ जाओगे नई कंपनी में तो आप भी बन जाओगे दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा अगर होता तो हमसे पहले भी 2014 से पहले कंपनी 2007 की है सात साल पहले भी लोग आईएमसी में जुड़े थे तो सबके सब क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बने पहले जुड़ने से क्राउन प्रेसिडेंट कोई नहीं बनता दोस्त क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए एथिक्स पे काम करना पड़ता है लगातार काम करना पड़ता है ईमानदारी से काम करना पड़ता है और बहुत सारे थपेड़े झेलने पड़ते हैं दोस्त आज मैं पिछले अभी तीन तारीख से मैं घर से बाहर निकला हूं और लगातार मैं फील्ड में हूं ड्राइवर साथ में गाड़ी साथ में और लगातार मैं फील्ड में हूं कल रात का भोजन नहीं कर पाया ढंग से और एक एक जगह एक देहात के एक दुकान पर खड़े होकर के मैंने कोशिश की यार कुछ तो ले लें तो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में बतासे जिसको फुल्की कहा जाता है उसको खा करके मैंने कल रात बिताई क्योंकि मैं ऐसे जगह पे हूं जहां पे और देर भी हो चुका था होटल तो बहुत सारे हैं लेकिन देर होने के कारण सारे होटल्स बंद हो चुके थे तो फ्रेंड इस तरह की जिंदगी अगर आप झेल सकते हो इस तरह के जीवन इस तरह की समस्याएं इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप झेल सकते हो तो एक समय आप क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हो तो फ्रेंड ऐसे लोगों से आपको बचना है ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि देखिए तो मैं तो डीएन सिंह जी के साथ रहता हूं मैं भी चेयरमैन हूं आप इस कंपनी में जुड़ जाइए इसमें भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट है और बहुत शानदार प्रोडक्ट है आप पहले आ जाएंगे तो आप जुड़ जाएंगे यहां पे बाइनरी इनकम है यहां पे बाइनरी इनकम है यहां पे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है एक बार दस हजार का प्रोडक्ट ले लीजिए यहां भी आयुर्वेद की कंपनी है यहां पे भी सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं इस तरह की प्रलोभन जो लोग देते हैं ना दोस्त आपका समय के साथ साथ आपके जीवन को तबाह करते हैं जीवन को बर्बाद करते हैं जरा सोचो आपकी जिससे रिश्ता लगे और पता चले कि वो पांच लड़कियों के साथ वो फिल्म देख चुकी है क्या उससे आप रिश्ता करेंगे फ्रेंड आपकी वो कैरियर को बर्बाद करना चाहते हैं ऐसे लोग ऐसे लोग आपको कैरियर को बर्बाद करना चाहते हैं ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है कभी भी कभी भी लोग आपको प्रलोभन दे कहां जुड़े हैं उनके साथ कहां जुड़े हैं उनके साथ मैं सबके लिए बात कर रहा हूं दोस्त जो कुछ होगा आईएमसी से होगा वरना कहीं भी कहीं से नहीं होगा मैंने देखा है पिछले आठ सालों में जो लोग मुझे छोड़ के गए आज तो कहीं होटल में काम कर रहे हैं या तो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या तो कहीं नौकरी कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं अरे कई तो ऐसे लोग हैं जो आज बैटरी वाला रिक्शा खींच रहे हैं मुझे छोड़ के गए जो टिके तो कहानियां बनाए फ्रेंड्स ये बिजनेस टिकने का है ये बिजनेस दिखने का है आपकी काबिलियत से आपकी काबिलियत के अनुसार ही पैसा मिलता है आपने अपनी काबिलियत डेवलप नहीं किया इसलिए यहां पे प्याउट आपके बड़े नहीं हुए आप काबिलियत तो डेवलप कीजिए आप अपने अनुभव से आईएमसी करना चाहते हैं आप अपने तरीके से करना चाहते हैं अरे आप महंगी से महंगी भी रेडियो वो गाना नहीं बजाएगा जब तक आप फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कराएंगे महंगा से महंगा रेडियो भी काम नहीं करेगा महंगा से महंगा मोबाइल भी जब जब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको अपडेट नहीं करेंगे जब तक उसको आप चार्ज नहीं करेंगे दोस्त आप अपने तरीके से मत कीजिए कंपनी का तरीका है शुरू शुरू में जब मैंने आई ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ तरीके अच्छे नहीं लगे मैंने एमडी सर से बोला कि सर ये वाला तरीका कहीं नहीं डीएन सिंह जी यही तरीका चलेगा यहाँ पे कि उसकी जो डिजाइन हुआ है इस तरह ही डिजाइन हुआ है फ्रेंड प्रलोभन में मत आइए जब कंपनी कोई शुरू में आती है नई कंपनी जब शुरू में आती है मैं आपको बता दूं शुरुआत में कुछ बड़े चीवर को पेमेंट नहीं बटना होता है तो क्या करते हैं प्लान के अंदर वो प्लान के अंदर इतना पैसा डाल देते हैं कि आपको लगेगा कि यार आईएमसी से ज्यादा पैसा यहां मिल रहा है लेकिन ज्यो ज्यो वो लेवल बढ़ता है उसके अंदर तो, तो वहां पर खिंचाव आता है वहां पर भी वही समस्याएं आती है और उसके बाद धीरे 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 वो कंपनी संभाल नहीं पाती वो लोग टूट जाते हैं आपके जो लोग बाद में आएंगे वो सब लोग टूट जाएंगे और आपने फिर यहां नेटवर्क बनाया फिर वहां बनाया फिर वहां बनाया हर जगह नेटवर्क बना बना करके आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा मेरे आपके सामने बहुत से लोग आए बहुत से लोग गए कीड़े मकोड़े की तरह लोग यहां से भागे आज जो मजबूत टाइप के जो लोग हैं वो आज हमारे साथ टिके हुए हैं आज मजबूत टाइप के लोग यहां पर टिके हुए हैं अरे दोस्त हमारे कंपनी में Earth... बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं काम करने के लिए अब बहुत सारे लोग दो चार पांच हजार की सैलरी के कारण वो छोड़ जाते हैं या कंपनी द्वारा निकाल दिया जाता है छोड़ते तो नहीं है उनको निकाल दिया जाता है उनके उनके लिए बहुत सारी कंप्लेन होती है बहुत सारे एरिया मैनेजर आए बहुत सारे एरिया मैनेजर गए उनकी शिकायतें रहती हैं फील्ड में कि वो ठीक से वर्क नहीं करते कंपनी कंपनी उनको हटा देती है अब वही अब व्यक्ति फील्ड में जाकर कहता है कि मैंने आईएमसी छोड़ दिया है अरे आईएमसी को तो कोई नहीं छोड़ता दोस्त आईएमसी का मतलब ही अभी नहीं पता कि आईएमसी छोड़ने का मतलब है कि तुमने करोड़पति बनना छोड़ दिया आईएमसी आईएमसी इंडियन मेंटेलिटी और सी से कल्चर क्या तुमने इसको छोड़ दिया फ्रेंड जब इसको आप छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप तबाही की तरफ बढ़ोगे तो फ्रेंड ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है चाहे वो कंपनी का स्टाफ क्यों ना हो चाहे वो कंपनी के एसोसिएट क्यों ना हो चाहे किसी भी बड़े लेवल पर मैंने देखा है अपनी आंखों से एक बड़े लेवल का एक बंदा जब वो दूसरी कंपनी में जाता है तो उसकी वहां क्या इज्जत है आज आज नेटवर्क बनाने समस्या है मैं आगे कोई बात नहीं करना चाहता हूं कई लोग ऐसे गए जिन्होंने कंपनी तक बनाए लेकिन आज फेल हो गए आज बहुत काम काम किए लेकिन वो फेल हो गए फ्रेंड क्यों नहीं फेल होंगे वो क्यों नहीं फेल होंगे और आना जाना लगा रहता है लाभ लेता है टिकने वाला व्यक्ति अगर आप बिजनेस में आप टिकते हैं फ्रेंड अभी आपने देखा होगा अभी एक यूथ मात्र 22 से 23 साल का एक लड़का मिस्टर शिवम नामदेव जो आज एम्बेसडर स्टार है पिताजी ने उनको एक छोटा सा लेवल दिया गोल्ड स्टार का अब पढ़ाई के ही दौरान वो पिताजी के बिजनेस को टेक ओवर करके और काम करना स्टार्ट कर दिया कि पिताजी लाइए मैं बिजनेस आपका संभालता हूं मैं समझ गया इस बिजनेस को और वो 22 साल के लड़के ने पिताजी की बने, बनी बिजनेस को यानी गोल्ड लेवल को ओवर किया और ओवर करने के बाद आज वो लड़का आज इतनी कम उम्र में आज वो एम्बेसडर स्टार बन गया डैडी सिर्फ सपोर्ट करते हैं मैं पर्सनली उनको जानता हूं नामदेव जी बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन बेटे जैसी ऊर्जा यानी जितनी ऊर्जा पिता के अंदर थी उसकी दस गुना ऊर्जा बेटे के अंदर है बिजनेस क्यों नहीं ग्रोथ होगा आज तीस से पैंतीस लाख रुपए का बैलूम बिजनेस बैलूम आज उनका आता है आज तीन तीन साढ़े तीन चार चार लाख रुपए का आज उनका प्याउड बनता है फ्रेंड क्यों नहीं बने प्याउड काम करने की जरूरत है आज उनके टीम में बहुत सारे लोग अभी कल देखा होगा आपने एक ऐसा बंदा जो मात्र पच्चीस से अट्ठाईस साल का बंदा जो आज से पच्चीस साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया मिस्टर अनमोल जायसवाल और अभी उन्होंने जो काम करना स्टार्ट किया अभी तो कह रहे थे सर मैं काम ही नहीं करता अब तो अभी तो मैं रिहर्सल कर रहा हूं और जो काम करना स्टार्ट किया अगले महीने सुनाई पड़ेगा अगले महीने सुनाई देगा कि वो 28 साल का बंदा 25 से 28 साल का बंदा आज आईएमसी के किस पोजीशन में कितनी अच्छी बातें की कल लेकिन जब आप पेज पर पे रहेंगे तभी अच्छी बातें सुनाई पड़ेगी जब आप माहौल में रहेंगे तो अच्छी बातें सुनाई पड़ेगी जब मीटिंग सेमिनार मेगा इवेंट में रहेंगे तो आपको सुनाई पड़ेगी लेकिन फ्रेंड घर पर रह करके घर पर रह करके आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है उसके लिए आपको तो मरना पड़ेगा उसके लिए आपको मरना पड़ेगा दोस्त, मिसगाइड मत होइए मिस दुनिया में कहीं भी चमत्कार इस तरह नहीं हो जाता कहीं भी चमत्कार नहीं होता अभी जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी तो मैं नहीं कहूंगा देश में बेरोजगारी नहीं है बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है अगर बेरोजगार होता तो आईएमसी में आज सवा करोड़ लोग नहीं होते आज पचास करोड़ से ज्यादा लोग आ जाते बेरोजगारी नहीं है बस बेरोजगार इसलिए बोलते हैं कि वो अपनी मर्जी के काम उनको नहीं मिलता वो चाहते हैं कि हम बाबू साहब वाला काम करें कुर्सी बैठ कर बिना नॉलेज के हमें कुर्सी मिल जाए देखते हैं बहुत सारे अभी मैं देखता रहता हूं फेसबुक पेज पे कभी कभी मैं देखता हूं पेज पे आता रहता है कि अस्सी अस्सी हजार रुपया सैलरी लेने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जिसका स्पेलिंग लिखना नहीं आता तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा दोस्त नॉन काबिल लोग आज अपने आप को बेरोजगार मानते हैं जिनके पास काबिलियत है आज कहीं ना कहीं वो प्रूफ कर रखा है कहीं ना कहीं वो प्रूफ करता है ये कहते हैं बेरोजगारी 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 अगर है कोई बेरोजगार तो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है अगर देश में है कोई बेरोजगार तो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है मात्र छह महीने से लेकर बारह महीने की ट्रेनिंग के दौरान वो बीस से पचास हजार का इंसान बन सकता है हम उसे बना सकते हैं अगर वो बेरोजगार है तो लेकिन एक भी कॉल आने वाला नहीं है क्योंकि बेरोजगारी हो तो कॉल आए ना और आज आईएमसी में जो लोग सफल हैं जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो वो लोग हैं कि जिनको थोड़ा है थोड़े की जरूरत है अपने ड्रीम को पूरा करने वाले क्योंकि जरूरत पूरा करने वाले लोग इसमें टिक ही नहीं पाते और अपने सपने को पूरा करने वाले लोग यहां पे काम करते हैं जितने भी लोग मैं देख रहा हूं पेज पे लगातार यहां पर संख्या है तो फ्रेंड ये वो लोग हैं जो जरूरत के साथ साथ अपनी चाहत पे काम कर रहे हैं चाहत को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं फ्रेंड बेरोजगारी 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 ये कोई बेरोजगारी नहीं है ये तो सिर्फ सरकार हिलाने के लिए बातें रखी जाती है अपोजिशन के द्वारा अपोजिशन के द्वारा रखी जाती है देश में बहुत महंगाई है, अगर, है तो अगर महंगाई है तो कार की सेल क्यों बढ़ गई अगर महंगाई है तो बाइक की सेल क्यों बढ़ गई अगर महंगाई है तो मोबाइल की सेल क्यों बढ़ गई अगर महंगाई है तो पेट्रोल टंकी पे लाइन क्यों लगते हैं महंगाई है महंगाई है कोई महंगाई नहीं है दोस्त ये लोगों ने ये बना रखा है ये लोगों ने बना रखा है हमारी एक दिन मैं अभी नहीं माता जी जब दुनिया में थी माता जी कहने लगी कि हमारे समय में तो बहुत सस्ता था घी बहुत सस्ता था और आज घी कितना महंगा हो गया हम क्या ऐसा नहीं है आज भी घी सस्ता है पहले भी घी सस्ता था कहीं वो कैसे हमको जिस चांदी के सिक्के से आप घी खरीद के लाती थी वही सिक्का आज मुझे दे दो मैं भी उसे सस्ता घी लाऊंगा घी भी लाऊंगा साथ में पैसा भी वापस लेके आऊंगा माता जी कहती हाँ बात तो सही है हम लोग चांदी का सिक्का देते थे फ्रेंड लोहे के सिक्का से क्या लोगे आप जब आपसे कोई बात करे कि देश में बेरोजगारी तो मेरा नंबर जरूर दे देना लेकिन आदमी अपनी मर्जी का काम ढूंढता है कि हमें कुछ ऐसा काम मिल जाए कि करना ना पड़े उधर से सरकार सैलरी दे और नीचे से हमें रिश्वत मिले इस तरह की काम की तलाश में लोग हैं इस तरह की लोग काम चाहते हैं क्योंकि ये देश ये सरकार ने लोगों को सब्सिडी देकर के गेहूं खिला खिला करके चावल खिला खिला करके सरकार ने ज्यादातर लोगों को काहिल बना दिया है फ्रेंड ऐसे लोग यही लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत है मैं देखा हूं ऐसे राशन कार्ड लेने वाले के घर में लाख रुपए की गाड़ी पे चलते हैं राशन लेते हैं और गाड़ी पे चलते हैं फ्रेंड जेब में ढूंढिए तो पच्चीस हजार का मोबाइल मिलेगा अगर बेरोजगारी होती उनके पास काम नहीं होता तो पच्चीस हजार तीस हजार का मोबाइल नहीं होता तो फ्रेंड आईएमसी बिजनेस में जो लोग सीरियस हैं देखिए दोस्त ये आने वाला जो समय है डायरेक्ट सेलिंग का है थोड़ी मैं अब पांच मिनट समय और लूंगा आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है अभी हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी मैंने देखा होगा मैंने पोस्ट भी डाला है एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो डायरेक्ट सेलिंग के आस एक शानदार ट्रेनर है और मैं उनको इसलिए पसंद करता हूं कि सिर्फ ट्रेनर नहीं और नेटवर्कर भी हैं वो पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सत्रह साल काम करके और सत्रह लाख रुपए महीने की प्याव पे पहुंचे लेकिन उन्होंने उन, उनको इससे भी उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई उन्होंने अपने जैसा कामयाब लोगों को कामयाब करने के लिए और अपनी प्रतिभा अपनी स्किल को सत्रह लाख में बेचना नहीं चाह उसकी कीमत वो सत्रह करोड़ वसूलने की उन्होंने प्लानिंग करने लगे और आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए आज वो ट्रेनिंग देते हैं आज उनकी ट्रेनिंग सुनकर के हमारी जब अभी मुलाकात हुई चार दिन पहले मैं उनके साथ था और 20 मिनट की ट्रेनिंग में ये क्लियर हो गया कि अभी हमने और हमारी टीम ने अभी आईएमसी की शुरुआत ही नहीं की है इसीलिए मैंने पोस्ट पर लिखा कि अभी आईएमसी का रिहर्सल चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का रिहर्सल चल रहा है अभी काम नहीं हुआ दोस्त आने वाले समय में ये जो गार्जियन पेरेंट है अपने बच्चों को घर से धक्का मार के निकालेंगे कि जा बेटा तू डायरेक्ट सेलिंग कर ले डायरेक्ट से, सेलिंग कंपनी में चला जा तेरी तकदीर बन जाएगी जैसे आज अपने बच्चों को नौकरी जॉब के लिए प्रेरित करते हैं फ्रेंड्स आने वाला सेक्टर जैसे अभी देखा होगा एक दिन एक डेटा तेईस साल का लड़का मिस्टर शिवम नामदेव जो एक डेटा निकाल करके और फेसबुक मतलब पेज पे वो बता रहा था क्या बता रहा था कि 113 साल की फिल्म इंडस्ट्रीज आज खत्म होने के कागार पे है आज सालाना कारोबार मात्र पंद्रह हजार करोड़ हो रहा है और एक 25 साल की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज मात्र 25 साल की उम्र है डायरेक्ट सेलिंग की और आज अठारह हजार करोड़ का कारोबार हो रहा है आज म्यूजिक इंडस्ट्रीज आज समाप्ति के तरफ से है आज फिल्म इंडस्ट्रीज ज समाप्ति की ओर है फ्रेंड आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां याद करिए एक समय था जब इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बूम में था लेकिन आज इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आज उनमें काम करने वाले लोग भी आज डायरेक्ट सेलिंग को आज प्रमोट कर रहे हैं लेकिन तो उनको भी पता है कि मौत का भय दिखा करके हम कब तक बीमा बेचेंगे हम मौत का भय दिखा करके दोस्त मैं आज क्लियर करता हूं आपको कि अगर आप एक हजार पॉलिसी बेचते हैं मौत का भय दिखा करके तो उसमें से शायद दो लोगों के साथ घटना नहीं घटती है लेकिन आज आईएमसी में यदि अगर आप काम करते हैं तो आज अगर कोई व्यक्ति आईएमसी के साथ नहीं है और वो हजार नहीं दस हजार लोग आने वाले समय में वो बीमार पड़ने वाले हैं अगर वो मौत का भय दिखा करके आईएमसी का इंश्योरेंस बेच सकते हैं मौत का भय दिखा करके तो आप बीमारी के बारे में बता करके जैसा कि डब्ल्यूएचओ कहना है कि आने वाले कुछ समय बाद सत्तासी परसेंट लोग कैंसर से पीड़ित होंगे तो यह बात आप उनको क्यों नहीं बता सकते यह बातें उन्हें आप क्यों नहीं बता सकते हर आदमी अपने स्वास्थ्य को निरोग रखने के लिए कैंसर से बचने के लिए आईएमसी का सिर तुलसी पिएगा आईएमसी का प्रद इस्तेमाल करेगा टर्न तो बढ़ने वाला है दोस्त टर्न तो बढ़ेगा आप जीवन यापन करने के लिए आप कुछ भी काम करो लेकिन दोस्त याद रहे लास्ट में मैं आपको मैसेज देने वाला हूं कि दो आदमी से कभी भी आप पंगा मत लेना दो आदमी से कभी भी दूरी मत बनाना पहला एक कामयाब शख्सियत के हमेशा साथ में रहना उसके एनवायरमेंट में रहना यह व्यक्ति जो आप, आपके सामने थोड़ी सी उपलब्धि बता रहा है यह व्यक्ति हमेशा कामयाब आदमी के साथ रहा है हमेशा सा कामयाब शख्सियत के साथ रहा है क्योंकि कामयाब के साथ रहेंगे तो कामयाबी ही सीखेंगे और नाकामयाब के साथ रहेंगे तो नाकामयाबी ही सीखेंगे पहला कि कामयाब व्यक्ति के साथ रहना है और दूसरा कभी भी मजबूत इंसान से पंगा नहीं लेना है कभी भी मजबूत इंसान से पंगा नहीं लेना है अगर आप किसी मजबूत से पंगा लेंगे तो क्षति आपका होने वाला है उससे आप हाथ मिलाएंगे तो उससे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है तो फ्रेंड ये जो दो बातें अपने जीवन में मैंने मैंने ग्रहण किया इसकी वजह से हमें हमारे पास उपलब्धि है तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूं विवेक सोनी जी हैं मिस्टर अजय जायसवाल जी हैं मनोज कुमार माझी जी, जी हैं जो बाद में जुड़े हैं फ्रेंड मैं देख रहा हूं लगातार हमारे अजय जायसवाल जी हैं राकेश चौहान जी हैं राजा जायसवाल जी कोई साधारण इंसान नहीं ये आई के क्राउन प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राज चंदक जी हैं मिस्टर समीर दास जी राज चंदक जी, राज चंदक जी हमारे एम्बेसडर स्टार हैं मिस्टर मनीष सोनी जी जिनके सराफा व्यवसायी हैं जो आई में आज सीरियस है समीर दास जी हैं तो फ्रेंड काफी लोग आज आईएमसी के साथ आज काम कर रहे हैं फ्रेंड आप अपने तरीके से मत कीजिए जो तरीका बताया गया उस तरीके से कीजिए मैडम मोहिनी कश्यप जी हैं जो आज आईएमसी में आज गृहणी होते हुए भी आज बिजनेस में के लेकर के सीरियस है परवरी देव राय जी हैं जो आईएमसी के आज रूबी स्टार हैं और बहुत ही जल्द इस महीने ये चेयरमैन बनने वाले हैं तो फ्रेंड आशित कोहले जी हैं जो हावड़ा वेस्ट बंगाल से हैं तो आप सबकी जो तैयारी है आप सबकी जो दोस्त तैयारी है वो तैयारी किसके साथ होनी चाहिए मैं बता दूं कंपनी के इस महीने में मेगा इवेंट है उस मेगा इवेंट के साथ होनी चाहिए देखिए हमारे रेलवे स्टेशन मास्टर मिस्टर रूपेश कुमार पटवा जी हैं जो स्टेशन मास्टर हैं उसके बावजूद भी आज ऑनलाइन है और एक घंटे का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं क्यों क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है ये बिजनेस आपके बच्चों के लिए है इस बिजनेस का लेना देना आपसे नहीं है जैसे एक आम का पेड़ एक नीम का पेड़ एक पीपल का पेड़ या जो भी पेड़ जिसकी उम्र ज्यादा है वो आपके लिए नहीं है उस पेड़ से सुख आप नहीं भोग पाएंगे वो फ्यूचर प्लानिंग वो आपके बच्चों के लिए है दोस्त अगर ये गलतियां हमारे अगर पूर्वज करते पूर्वज करते तो शायद आज उस आम का उस नीम का आज उस पेड़ों का आज हमें लाभ नहीं उठा पाते तो फ्रेंड याद रहे मूली बोएंगे तो दो महीने में काटेंगे मूली जैसी कंपनी बहुत आ गई है मूली जैसी कंपनी बहुत आ गई है जो दो महीने में फसल देती है उसके बाद फिर बोना पड़ता है फिर आपको नई कंपनी ढूंढना पड़ेगा ऐसी मूली जैसी कंपनी पुदीने जैसी कंपनी बहुत आ गई है ऐसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको 25 से 30 दिन 40 दिन काम करेंगे जिसको आजकल क्वाइन वाइन बोलते हैं ना उसके बाद आप ठगा हुआ महसूस करेंगे ये मूली पुदीने जैसी कंपनी से आपको बचना है यहां पे फ्यूचर नहीं है नहीं है फ्यूचर कोई एक आदमी बता दीजिए जो अपने ही शहर का आपके ही शहर का हो इस तरह का काम करके कुछ बड़ा कर लिया हो आप बता दीजिए हमें तो रोज कोई ना कोई मिलता है जो कहता है सर मैंने सत्रह कंपनी ज्वाइन किया कहीं कुछ नहीं हुआ सर मैंने 20 कंपनी करने का मेरे पास अनुभव है आपको भी प्लान को मैं समझना चाहता हूं अरे मूर्ख तुम क्या समझोगे तेरी समझ ही अगर इतनी होती तो तू 20 कंपनी में सफल नहीं होता तू 20 कंपनी में सफल नहीं होता तेरी समझ में इतनी समझ होती तेरे दिमाग खोपड़ी के अंदर इतनी समझ होती तो तू पहले ही कामयाब होता तुझे बीस कंपनी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड ये नाकामयाब इंसान यह हमेशा कंपनी बदलेगा कामयाब का मतलब यह नहीं कि जो क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए कामयाब का मतलब वो भी है जो एक कंपनी में लगातार टिका रहे और क्राउन प्रेसिडेंट के लिए वो अपनी तैयारी करता रहे तो फ्रेंड आज तो बहुत भयंकर लगी है अभी करीब अभी मेरा सेमिनार है गेट पे लोग खड़े हैं और वो सुनना चाहते हैं वो मुझे सुनना चाहते हैं कि एक इंसान चौवालीस साल की उम्र में बिजनेस को स्टार्ट किया और सैतालीस साल की उम्र में आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बन गया तीन वर्ष लगे तीन वर्ष आपके भी लग सकते हैं लेकिन जिस दिन से आप जिस दिन से आपके अंदर आईएमसी घुस जाएगा उस दिन से तीन वर्ष लगेगा जब तक आपके अंदर आईएमसी है कि नहीं है आप आईएमसी में हो क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते आपके अंदर आईएमसी है कि नहीं क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओगे दस बज के दस मिनट पंद्रह अगस्त सन दो हजार चौदह दस बज के दस मिनट दस सेकेंड पे मेरे अंदर आईएमसी प्रवेश किया था मेरे अंदर आईएमसी प्रवेश किया था और आईएमसी करने के बाद आईएमसी ज्वाइन करने के बाद आज तक मेरे अंदर आईएमसी है अभी तक मैंने आईएमसी को बाहर नहीं निकाला तो फ्रेंड आप सब बिजनेस को लेकर के सीरियस हो जाइए और हम आपके साथ जितने देर थे हमें बहुत अच्छा लगा और आप सभी कमिटेड लोग हैं फ्रेंड और जहां पर हमारी जरूरत है आप डायरेक्ट मुझे आप कॉल करें हमसे आप मीटिंग सेमिनार लें आप ये चिंता मत करें कि आप सर हमारे पास पचास लोग हैं हम जैसे ही मेरा नाम डलेगा पोस्टर पे वहाँ पांच सौ लोग इकट्ठे हो जाएंगे आप हमारे मीटिंग सेमिनार प्रोग्राम ट्रेनिंग आप फंक्शन का आप इंतजार करें कंपनी का सोशल साइट पर जाए कंपनी के पास हर प्रोडक्ट का वीडियो है हर प्रोडक्ट की नॉलेज है आप वहां से ले सकते हैं कंपनी का ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करें और सबसे अच्छी बात है कि हमारे इस कंपनी में जितने भी महागुरु हैं जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं आप उनका सपोर्ट लें आप जरूर कामयाब होंगे तब तक के लिए गुड आय सी हम फिर मिलेंगे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के और आज अगर ये सेशन नहीं होता तो मैं अभी बीस मिनट आपके साथ और टिकता और बहुत ही सुंदर फ्रेंड गुड आय सी